एक्चुअली एक सांसद हैं सुशील सिंह जी उनका नाम है, और सांसद एक मैच्योर होते हैं लेकिन मैच्योरिटी की शायद मुझे लगता है कि अभी बहुत कमी है उनके अंदर, बचपना है अभी तक। और उन्होंने अपने कुछ गुर्गों के द्वारा मेरे ऊपर FIR करवाया है और मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ किया गया सर? FIR औरंगाबाद के नगर थाने में की गई। FIR करने का रीज़न क्या है? FIR करने का रीज़न है, जैसे हम गरीबों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ को उठाते रहते हैं और उनके ही औरंगाबाद, उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक अम्बा प्रखंड है जहाँ पे सुजीत मेहता करके एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी लोकप्रिय थे समाज सेवा में, और जिनकी हत्या हो गई आज के लगता है कि 15 दिन पहले की बात है, उनकी हत्या हुई। और उनकी हत्या के पश्चात करीब करीब 10-15 दिन बीता, सांसद महोदय वहाँ नहीं पहुँचे। क्यों हत्या हुई थी वहाँ? हत्या, अब जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, अच्छा, वो लोकप्रिय हो रहे थे, अच्छा, लोगों की जन सेवा में वो कार्य कर रहे थे, उनकी पत्नी सुमन देवी जो हैं वो पूर्व जिला पार्षद वहाँ की रही हैं, अच्छा। तो वही पे चूँकि हमें फ़ोन आया कि रेनू जी ऐसा ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहुँचना है, आप आपसे एक उम्मीदें हैं, तो जहाँ पे लोग हमसे उम्मीद करते हैं, जहाँ पे लोग दुखित हैं, जहाँ पे लोगों के आंखों में आंसू है, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ लोगों के आंखों का आंसू मैं पोंछने का काम करूँ। जहाँ पे लोग रो रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें ढाड़स बंधाऊँ और उन्हें न्याय दिला सकूँ न्यायपालिका से गुहार लगा करके। सर एक बार और आप जेल जा चुके हैं और फिर आपको जेल जाने की नौबत आ गई है, क्या लगता है सर तेज प्रताप यादव जी आपकी मदद करेंगे? देखिए उम्मीद तो है, तेज प्रताप यादव जी से उम्मीद है, तमाम राजद पार्टी से उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से उम्मीद है, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से उम्मीद है, और जितने भी जो लोग जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांध करके लेकर के चलना चाहते हैं उनसे उम्मीदें हैं और उनका सहयोग भी है। तब संतोष जी आप लगातार लोगों की समस्या के साथ आप आवाज़ बनते हैं, अभी लगातार गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं, तमाम जगह आप पहुंच भी रहे हैं, और उसी तरीके से आपने वहाँ सुजीत मेहता जी के पास आपने पहुँचा, आखिर क्या आपने सुशील जी के बारे में कहा जो उनको FIR करना पड़ गया? देखिए आखिर सुशील जी वहाँ पहुँचते, सुजीत मेहता जी की हत्या हुई, वहाँ पे सुशील जी जिस समाज से आते हैं इस हत्या का आरोप उन्हीं के समाज के लोगों पे लगाया जा रहा है, अच्छा। और ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि सुजीत मेहता जी की धर्मपत्नी कह रही हैं, अच्छा। जो कि एक जनप्रतिनिधि भी रह चुकी हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, वो उन्होंने केस किया, केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कहा जा रहा है कि हम सिर्फ एक FIR पे कैसे किसी को अरेस्ट कर लें, अच्छा। तो अब इस पे सुशील सिंह जी को चाहिए था कि ये आपके क्षेत्र का मामला है तो आप वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलते, अच्छा। उस घर में एक भी मेल सदस्य अब नहीं बचा, सुजीत मेहता जी की हत्या हुई, सुजीत मेहता जी के पिताजी की हत्या हुई, एक भी मेल सदस्य वहाँ पे नहीं बचे हुए। तो आप ये बताइए कि क्या एक महिला को सपोर्ट करना क्या गलत है? गलत नहीं है, लेकिन आप पे अभद्र भाषा की टिप्पणी करने का आरोप लगा। आप ये बताइए, ठीक है अभद्र भाषा, ठीक है आप हमको 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए, सुजीत मेहता के हत्यारों को तो कम सजा दिलवाइए, आप हमको 100 साल तक जेल में डाल दीजिए, कम से कम जो गरीब पीड़ित परिवार है उसके दरवाजे तक तो जाइए, उस परिवार के आंसुओं को तो पूछिए, सुजीत मेहता के परिवार को 1 पैसा का मुआवजा मिला है क्या जब तक मैं गया था वह तब तक?
बिहार में सरकार तो आप ही का आरजेडी का बन गया है। हमारा सरकार है, आपका सरकार नहीं है, आपका भी सरकार है, सबकी सरकार है। आप इसमें कितना सफल हो सकते हैं इंसाफ दिलाने में? वही तो लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, लड़ाई लड़ रहे हैं सर। मैं आपसे अच्छी जानना चाहूंगा कि आपने सांसद को धमकी भी दे रखा है, क्या ये कतई बात सही है या नहीं? ये धमकी वाली बात कहां से, जनता से ऊपर कौन होता है? तो यहां पे तो प्रिंट मीडिया से सर खुलासा आपने कर रखा है। मीडिया तो आप लोग भी है। औरंगाबाद सांसद को धमकी देने वाले गायक पर प्राथमिकी, वो तो ये भी कह सकते हैं कि गोली मारने वाले गायक, वो तो ये भी कह सकते हैं कि बम मारने वाले गायक। ये जो भी मैंने बोला है वो तो रिकॉर्ड है ना, ऑन कैमरा है, वो तो ऑन कैमरा है। ऐसा थोड़े है कि सांसद महोदय से मैं फोन पे मैं कुछ बुलाऊं, ऐसा तो नहीं। सर आप संतोष रेणु जी, आप जिस तरीके से समाज सेवा के रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो समाज सेवा के कारण ही उनकी हत्या हुई है। आपने जैसा बताया कि वो लोकप्रिय हो रहे थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। आपके आपको डर नहीं है कि आपके साथ भी आगे ये घटना घट सकती है? अब मरने के डर से मैं समाज सेवा छोड़ दूं तो हमसे जो करोड़ों लोग जो उम्मीद बना करके, उम्मीद बांध करके रखे हैं, बैठे हैं, उन लोगों की भावनाओं का क्या होगा? आज देख रहे हैं शिवहर में सुबोध राय की हत्या हुई, पूर्व मुखिया सुबोध राय जी की हत्या हुई, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वहीं पे शिवहर में ही एक ही घर के दो सगे भाइयों जो महादलित समाज से आते हैं उनकी हत्या हुई, पुलिस कुछ नहीं कर रही। आज देख रहे हैं कि नीलम यादव बागपुर इमामगंज गया जिले की एक घटना है, और ये भी सुशील सिंह जी के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत की बातें हैं। एक 15 वर्षीय बच्ची को गैंग रेप करके जला के मार डाला, वहाँ पे आज तक सुशील सिंह जी नहीं गए। वह अगर उसकी लड़ाई लड़ता हूँ वहाँ पे लोगों की उम्मीदें हैं, मैं तो लड़ूंगा। आप देखिए एक पत्रकार की हत्या हुई जमुई में, वहाँ पर जा करके मैं लड़ाई लड़ा, जो हमसे बना 25,000 रुपये के वहाँ पर मैंने आर्थिक सहयोग भी किया। ये जो सुजीत मेहता जी हैं इनके परिवार वालों को भी मैंने 11,000 रुपये का आर्थिक मदद किया, चूँकि उस समय मेरे अकाउंट में जो सोशल वर्क का जो मेरा अकाउंट है उसमें 13,308 रुपया था उस समय, इसीलिए मैंने 11,000 किया। अगर ज़्यादा पैसा होता तो और मैं ज़्यादा करता, नहीं तो ऐसा है ना कि अगर हमारा चेक भी बाउंस हो जाए ना तो लोग ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह मेरे पे पड़े हैं कि एक फॉल्ट अगर मेरे में आ जाए तो लोग हमको किसी भी तरीके से करके इसको जेल में डालो, जेल में डालो। अरे भैया हम जब कुछ करते हैं कब करते हैं? जब आप अगर तैयार रहते, आप सांसद हैं, आप अगर अपनी व्यवस्था वहाँ पे टाइट रखते तो हमको अम्बा जाने की जरूरत पड़ती? सुजीत मेहता की इंसाफ की लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत पड़ती? उस बहन की आँख के आंसुओं को आप नहीं समझ रहे तो क्या मैं भी समझना बंद कर दूँ? अच्छा, जिस वीडियो के लिए आपने FIR करने की बात हुई है, पेपर में जैसे आया है, उसमें आपने SP साहब को भी कुछ कहा है? बिल्कुल बोलेंगे, SP साहब से काफ़ी उम्मीदें होती है। आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, आप एक जिले के कैप्टन होते हैं, और अगर आप शिथिल पड़ जाएं, एक SP का जो वर्दी जो होता है, एक फौज की वर्दी जो होती है, वह हमारा आन बान शान होता है। और जिस समय अगर हमारा SP अगर पक्षपात करना शुरू कर दें, अगर हमारे फौज पक्षपात करना शुरू कर दें, तो देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता, देश तुरंत गुलाम हो जाएगा। तो इस परिस्थिति के लिए हम हर वक्त SP महोदय को, वहाँ के प्रशासन महोदय को, मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कम से कम इस समय के लिए ये तो समझिए कि हाँ कैसे समाज बचेगा। समाज में बहनों की, बेटियों की, भाइयों की, बुजुर्गों की आंसुओं को कौन समझेगा, ये तो कम से कम समझिए आप। इसलिए मैंने SP महोदय को बोला था, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें थी उनसे और वो उम्मीद के सीधा विपरीत कार्य कर रहे थे। सर सुनने में यही आ रहा है कि आप बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड कुछ जाति सोचक शब्द भी स्थानीय सांसद सुशील सिंह को आपने कुछ कहा? हमने तो कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी को जो हम मानते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। सभी रायपुर समाज के लोगों को सर टारगेट करना, आप बताइए, आनंद शंकर जी वहाँ के विधायक हैं, वो भी तो राजपूत हैं, मैं तो उनका बड़ाई करता हूँ, वो अच्छा कार्य करते हैं, मैं बड़ाई करता हूँ उनका। क्यों बड़ाई करते हैं आप? वो अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा थोड़े कि सभी राजपूत समाज खराब है। सभी राजपूत समाज खराब होते तब जाकर के सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं 24 घंटा में अनशन करता, सुशांत सिंह राजपूत की मैं लड़ाई लड़ता। मतलब आप नीतियों के खिलाफ? जो लोग समाज को विभक्त करके समाज को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, मेरी लड़ाई उनसे है,
अब उसमें जो भी लोग आ जाएं तो हम बोलेंगे उनको। संतोष जी, ये जो बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं अविश्वसनीय घटनाएं घट रही है, इन सभी का जिम्मेदार पूर्ण रूप से कौन है? बिहार सरकार है या यहाँ की प्रशासन है? देखिए, यहाँ की जो पूर्ववत जो सरकार जो रही है जी। आप जैसे डबल इंजन की सरकार जो चल रही थी, तो डबल इंजन की सरकार जो चल रही थी तो कहीं ना कहीं हम तो उन्हीं को मानेंगे। अब जो घटनाएं जो होंगी तो आज भी फिर से तेजस्वी यादव जी की और नीतीश कुमार जी की सरकार है, अब जो घटनाएं घटेंगे तो फिर हम इनको बोलेंगे। लड़ाई तो लड़ना है हमको, चाहे वो सरकार तेजस्वी जी की हो, चाहे वो सरकार नीतीश कुमार जी की हो, चाहे वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो। जहाँ पे अन्याय होगा, जहाँ पे गरीबों का शोषण होगा, गरीब प्रताड़ित होंगे, गरीबों के आँख में आंसू आएगा, हम उनको उनके साथ उनकी आवाज़ को मजबूती देंगे और उनके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे। संतोष जी, आप एसपी साहब को जिस तरीके से गुस्से में आपने कहा है और एफआईआर दर्ज सांसद महोदय जी किए हैं, क्या लगता है ये कार्रवाई तेज हो सकती है, जल्दी आप गिरफ्तार होंगे? देखिए, हम तो वही तो चाह रहे हैं ना कि जब सांसद महोदय के गुर्गे के द्वारा जब केस किया जाता है और उसके लिए अगर त्वरित कार्रवाई होती है तो फिर सुजीत मेहता की पत्नी के द्वारा जो केस किया गया तो सुजीत मेहता के हत्यारों को आप कब गिरफ्तार करेंगे? आप नीलम यादव 15 वर्षीय बच्ची की हत्यारों को आप गिरफ्तार कब करेंगे? आप जो दो जो महादलित समाज के जो शिवहर के जो भाई हैं उनके हत्यारों को कब गिरफ्तार करेंगे? आप सुबोध राय के हत्यारों को कब गिरफ्तार करेंगे? आप गोकुल यादव के हत्यारों को कब गिरफ्तार करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें गिरफ्तार कीजिए ना, 100 साल तक जेल में डाल दीजिए। ये हमारा नीति और सिद्धांत है दादा श्री कृष्ण के, मैं नीतियों और सिद्धांतों पर चलता हूँ, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। मैंने कहा है कि मैं अहिर हूँ और कट्टर अहिर हूँ, कट्टर अहिर हूँ, इसमें एक नंबर का 65 हूँ मैं, लेकिन एक 65 जो लोग बोलते हैं कि 65 का मतलब लोग बुड़बक समझते हैं, तो हम 65 बुड़बक नहीं है, 6 5 11 11 बड़ा शुभ चीज होता है, हम लोग शुभ में हैं। किसी भी समाज की लड़ाई होगी, जो समाज एक समाज को एक जुटता में बांध करके चलने का काम करेंगे जो लोग, मैं उनकी लड़ाई में, उनके सुख दुख में मैं हमेशा साझेदार बनूंगा, उनके आंसुओं को पोंछने का कार्य करूंगा। सर, एक तो समाज में क्या है कि कोई ये नेक काम करने के लिए उतरता नहीं है, जो उतरता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? अब तो यही देखिए, तब हम तो आप लोग के भरोसे हैं, हम तो पूरे जनता जनार्दन के भरोसे हैं, जो भी पब्लिक है हमारी वो ताकत है। हम आज हम कभी भी हम हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कोई प्रोडक्शन दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। हमारे पास गाड़ी, अभी हम गए जमुई, गए जमुई हम जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ी चल रही थी और गिट्टी लगा कंडेंसर में, एसी का कंडेंसर फट गया, पूरी रास्ते विदाउट एसी गए इस लहलहाती धूप में। औरंगाबाद जिला के द्वारा ही आपको सब निशाना क्यों बनाया जाता है बाबा? वो मेरी कर्मभूमि है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण थी, औरंगाबाद मेरी कर्मभूमि है। आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी बोल रहे थे मैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं आ सकता हूँ, जरूरत जब पड़ेगी, जब ऐसे ऐसे लोग जब जाति और धर्म को देख करके लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करेंगे, गरीबों की आंखों में आंसू डालना शुरू करेंगे, तो जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा में भी हम उतर सकते हैं।